कुछ उल्टा सीधा लगा लिया आपने अपने स्किन पे, अब आपकी स्किन पे रैशेस हैं, स्किन रेड है, हॉट बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, छोटे छोटे पिंपल्स या पैप्यूल्स आपके चेहरे पे हैं, इसका मतलब है आपकी स्किन का बैरियर, आपका स्किन बैरियर डैमेज्ड है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अपने स्किन को सही तरीके से हील कैसे कर सकते हैं। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी, नाउ अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। और आज की वीडियो है ऑल अबाउट रिपेयरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड एनहांसिंग योर स्किन नेचुरल बैरियर। जब भी हम स्किन केयर में केमिकल एक्सफोलिएंट्स ऐड करते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, या आप रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स को किसी भी फॉर्म में यूज करना शुरू करते हैं, कुछ लोगों को तो विटामिन सी से भी इरिटेशन हो जाती है। इन शॉर्ट, जब आप शुरू करते हैं केमिकल एक्सफोलिएंट्स एक्टिव्स अपने स्किन केयर रूटीन में, स्किन एडजस्ट करने में टाइम लेता है और कभी कभी जाने अनजाने में हम गलत तरीके से लेयरिंग कर देते हैं, जिससे स्किन का हाल कुछ इस तरह से हो जाता है। अगर इस तरह की स्किन को आप ठीक से हील नहीं होने देंगे तो आपका स्किन रिस्क पे होता है टू गेट हाइपरपिगमेंटेशन, टू गेट मेलास्मा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किन को नेचुरली हील करने दें और इसके लिए मैं आपको दूंगी आज का नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। ये रूटीन आप दिन में भी फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि इस रूटीन के बाद दिन में आप सनस्क्रीन लगाएं और हर 2 से 3 घंटे में अपने सनस्क्रीन को रीअप्लाई करें। सो वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इफ यू कैन, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। मैं वीडियोस बनाती हूं स्किन केयर ब्यूटी से रिलेटेड हफ्ते में 3 बार, संडेज, वेंसडेज एंड फ्राइडेज। अब करते हैं वीडियो को शुरू। शुरुआत करेंगे डबल क्लेंजिंग से। चाहे आपका स्किन बैरियर हेल्दी हो चाहे ब्रोकन हो, अगर आप दिन में सनस्क्रीन लगाते हैं, मेकअप नहीं भी लगाते, तो भी आपको बहुत जरूरी है कि आप रात को अपना चेहरा डबल क्लेंस करें। जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमने मिसलर वाटर से वाइप कर लिया फिर फेस वॉश यूज कर लिया, इज इट द सेम थिंग? नो, इट्स नॉट द सेम थिंग। इट्स अ गुड थिंग, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सो इट इज गुड थिंग। बट व्हेन यू आर यूजिंग अ मिसलर वाटर ऑन अ कॉटन पैड, आप मेकअप को शिफ्ट कर रहे हैं, पोर्स अंदर से क्लीन नहीं हो रहे। जब आप फेस वॉश भी यूज करते हैं, आपका स्किन टॉपिकली धुल रहा है, अंदर से पोर्स क्लीन नहीं हो रहे, और वो तब तक नहीं होते जब तक आप एक ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग बाम, क्लेंजिंग ऑयल को लेके मसाज करके उसे वॉश ऑफ नहीं करते। इस पे एक और क्वेश्चन आता है, बिकॉज प्रियंका चोपड़ा ने किसी वीडियो में बोल दिया था कि शी यूजेस कोकोनट ऑयल टू रिमूव हर मेकअप। She doesn't use coconut oil to remove her makeup and I can literally risk put money on it. ये सारी चीज़ें ऐसे actresses बोलती हैं, हम तो बेसन लगाते हैं, हम तो we put coconut oil. Nobody talks about the surgeries, nobody talks about the Botox and the enhancements. She doesn't use coconut oil. The problem with coconut oil is, yes, आप उसको use करके wipe off कर सकते हैं, but coconut oil is very very heavy. तो वो आपके pores को clog कर सकता है. Specifically, if you're acne prone, it's a bad choice. क्लेंजिंग ऑयल, क्लेंजिंग बाम, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक अफोर्डेबल क्लेंजिंग ऑयल जो इंडिया में मिलता है, इट्स बाय सुगंधा, इट इज अ स्क्वालीन एंड विटामिन ई क्लेंजिंग ऑयल, यू कैन यूज दैट। अदरवाइज देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ क्लेंजिंग बाम्स। आई लाइक द वन फ्रॉम एलिमीज, स्किन प्राउड इज वेरी गुड, बनेला को इज रियली गुड, क्लेयर्स हैज अ क्लेंजिंग ऑयल, देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लेंजिंग ऑयल्स। जो आपके बजट में फिट होता है यूज दैट। सो सबसे पहली चीज जो हम करेंगे, वी विल डबल क्लेंज आवर फेस। ड्राई चेहरे पे लगाएंगे पहले क्लेंजिंग बाम। थोड़ा सा क्लेंजिंग ऑयल या क्लेंजिंग बाम आप डायरेक्टली लेंगे अपने ड्राई चेहरे पे और उसे हल्के हाथों से मसाज करना शुरू करेंगे। आई ऑलवेज स्टार्ट विद द फेस, उसके बाद मैं अपने आई मेकअप, आईब्राउज उस पे आती हूँ। देन यू एड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर अपने हाथों में और इसे अच्छे से और मसाज करें, तब तक जब तक आपका मेकअप, सनस्क्रीन सारा का सारा मेल्ट होना शुरू नहीं हो जाता। फर्स्ट क्लेंस कंप्लीट हो गया है, उसके बाद सेकंड क्लेंस में आप यूज करेंगे कोई भी क्लेंजर, इट्स टोटली योर चॉइस। मैं यूज कर रही हूँ ये न्यूट्रोजीना का क्लियर एंड सूद रेंज, आई हैव ऑलमोस्ट यूज्ड इट टिल हियर, इट्स प्रीटी गुड। आई विल डू अ डिटेल्ड रिव्यू ऑन द एंटायर रेंज इन अनदर वीडियो। क्लेंजर को आप एक रेगुलर फेस वॉश की तरह ही यूज करेंगे। मेक श्योर यू कवर योर एंटायर फेस एंड नेक एंड मेक श्योर दैट यू डोंट स्किप दिस स्टेप व्हाइल डूइंग डबल क्लेंजिंग। चेहरा वॉश करने के बाद सिंपली आप इस रूटीन में अपनी क्रीम लगा सकते हैं, और क्रीम्स में मेरे पास हैं बहुत सारे ऑप्शंस जो मैं आपको दूंगी अभी 2 मिनट में, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ ऑप्शनल स्टेप्स जो आप कर सकते हैं। ऑप्शनल स्टेप में आप लगा सकते हैं टोनर, अगर आपके पास कोई भी हाइड्रेटिंग टोनर है, जैसे कि मेरे पास है, मैं लगा रही हूँ प्रोपोलिस टोनर बाय सम बाय मी, ये आप 100% यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली हाथों पे लेके आप इसे अपने चेहरे पे लगाएंगे कुछ इस तरह से, ओके?
अगर आपके पास कोई हाइड्रेटिंग टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर को भी अपने चेहरे पे स्प्रिट्स कर सकते हैं टोन करने के लिए। हाइड्रेटिंग टोनर है तो वो लगा लें, आपके पास कॉस्ट्रेक्स का स्नेल म्यूसिन एसेंस है तो वो लगा लें, नहीं तो आप अपने चेहरे पे कोई भी बेसिक हायलुरोनिक एसिड सीरम लगा सकते हैं। मैं अपने चेहरे पे लगाऊंगी हायलुरोनिक एसिड सीरम, पर उसके लिए सबसे पहले हम अपने चेहरे को स्प्रिट्स करेंगे थोड़े से पानी के साथ, या अगर आपके पास कोई मिस्ट है तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें कोई भी मिस्ट जिसमें फ्रेग्रेंस होगी, और मोस्टली मिस्ट में फ्रेग्रेंस होती है और फ्रेग्रेंस इरिटेटेड स्किन को और इरिटेट करता है। इसलिए बेसिकली टू कट आउट द कंफ्यूजन, सिर्फ पानी को लें स्प्रे बॉटल में एंड उससे अपने चेहरे को मिस्ट करें। I love this step, which is why I mist my face so much. मैं soak कर लेती हूँ अपने face को पानी में. So do this step, अपने चेहरे को अच्छे से mist करें. उसके बाद आप लेंगे एक या दो drop अपने hyaluronic acid serum की और उसे अपने पूरे face पे massage करेंगे. ट्राई एंड इंश्योर कि जो हायलुरोनिक एसिड सीरम भी आप यूज़ करें वो फ्रेग्रेंस फ्री हो। इन जनरल जब हमारी स्किन इरिटेटेड होती है और उसके ऊपर जब हम फ्रेग्रेंस लगाते हैं वो स्किन को और इरिटेट करती है। नॉर्मल दिनों में अगर आप एलर्जिक नहीं है तो फ्रेग्रेंस बेस्ड स्किन केयर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वन योर स्किन इज इरिटेटेड, वन योर स्किन बैरियर इज ब्रोकन, फ्रेग्रेंस विल बी अ प्रॉब्लम। सो जस्ट ऑप्ट इन फॉर समथिंग विच इज फ्रेग्रेंस फ्री। द विशी वन इज फ्रेग्रेंस फ्री, ऑर्डरी इज फ्रेग्रेंस फ्री, हायलुरोनिक एसिड बाय इंकी लिस्ट इज फ्रेग्रेंस फ्री, केमिस्टर क्ले इज ऑल्सो फ्रेग्रेंस फ्री, पर उसका मुझे हायलुरोनिक एसिड पसंद नहीं है, किसी भी ब्रांड का फ्रेग्रेंस फ्री। नाउ गिव इट अबाउट 2 मिनट्स, लेट दिस ऑल अब्सॉर्ब ऑन टू योर स्किन। इन द मीन वाइल हम आई क्रीम लगाएंगे। आई एम यूजिंग द वन फ्रॉम डर्मा ई, दिस इज द ककाडू प्लम कॉपर पेप्टाइड वन, वेरी नाइस। आई क्रीम हमेशा लगाने के बाद इस तरह से अंडर आई एरिया पे टैप जरूर करें उसे। आपने अपना हाइड्रेटिंग सीरम, स्नेल म्यूसिन, हायलुरोनिक एसिड जो भी आपके पास है आपने लगा लिया, वो आपके स्किन पे अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया, आपने आई क्रीम लगा ली। अब इस टाइम पे आई वांट टू टॉक अबाउट अ फ्यू अदर सीरम्स जो आप लगा सकते हैं लेकिन इट्स ऑप्शनल। नंबर वन इज योर मेट्रिक्सिल 10% इन एचए। अगर आपको रेगुलर हायलुरोनिक एसिड नहीं लगाना, मेट्रिक्सिल लगाना है, आप वो भी लगा सकते हैं, इट्स वेरी जेंटल। वो आपके स्किन पे जो इरिटेशन होती है उसे हायलुरोनिक एसिड सूथ करेगा। पेप्टाइड्स विल एक्चुअली हेल्प बिल्ड द स्किन बैरियर, सो दैट इज अ गुड ऑप्शन टू यूज। बट अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, लाइक यू गॉट रेड रैशी स्किन, लाइक इट्स कुछ भी लगाने से जलन हो रही है, देन स्किप योर मेट्रिक्सिल, स्किप योर पेप्टाइड्स, स्किप एवरीथिंग, जस्ट यूज योर हायलुरोनिक एसिड विच इज फ्रेग्रेंस फ्री। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे जो आपको अपने चेहरे पे लगानी है। अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव हर्ड विल से और कुछ नहीं लगाना, बस वैसलीन लगा लेते हैं। अंडरस्टैंड दैट वैसलीन और पेट्रोलियम जेली इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म वो आपकी स्किन को हील नहीं करेगी। पेट्रोलियम जेली और या वैसलीन वो आपकी स्किन पे प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करती है, दैट्स ऑल इट डज, इट्स लॉकिंग इन द मॉइस्चर, बट हीलिंग प्रॉपर्टीज नहीं है वैसलीन की। सो यू एक्चुअली नीड समथिंग दैट्स गोना हील योर स्किन, एंड इसके लिए योर बेसिक थिंग इज टू हैव वन क्रीम इन योर स्किन केयर कलेक्शन ऑल द टाइम। नाउ ये वन क्रीम जो है इसके मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दूंगी, सो वट एवर इज बेस्ड ऑन योर बजट, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, जो आपको सूट करता है वो आप लीजिए, बट इन सारी क्रीम्स में से कोई एक ही क्रीम है जो आपके पास होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर वन विच इज माई फेवरेट विच हैज नेवर फेल्ड मी इज द लाराशेपोजे सीसा प्लास्ट B5 ब्यूम बाम। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी थिक बाम, एंड whether your skin is oily, dry, combination doesn't matter. जब आपकी स्किन की इस तरह की हालत होती है, you need something which is healing, and this
instantly calms and heals your skin. ये आपके skin को बिल्कुल भी irritate नहीं करता. In fact, a lot of times just after using my regular retinoid also I will go in with something like this. And इसका आप एक thick layer लगाएंगे अपने skin पे. You will let it absorb. 5-10 minute में वो disappear कर जाएगा. And then you can just massage the leftover product and let it absorb onto your skin. You will use this morning and evening. अगर आपकी skin बहुत oily है, then I will recommend that just use a thin layer. Don't use a thick layer. But a thick layer is always good when you are trying to combat such kind of redness, such kind of irritation. So this is option number one. You do get this in India. It's available on Amazon. You can check it out. I think it retails for 1500 rupees. So this is my number one recommendation. My recommendation number two, जो भी हर जगह मिल जाती है, pharmacies में और online भी, is the Bepanthen cream. This is Bepanthen. You will get this for a few hundred rupees in India. It is on Amazon, I've checked it. And इसी का Bepanthen का ही एक नया version है जो अभी UAE में launch हुआ है. I'm pretty sure it'll come to India in some time. It is the Bepanthen Derma Regenerating Night Cream. This is also very beautiful, very hydrating, very healing. तो इन दोनों में से कोई भी आप use कर सकते हैं. As you can see, I use a lot of Bepanthen and I actually like using it on my hands, on my feet. Pretty much everywhere, and this is a very affordable, very effective option जो आपके पास होना चाहिए at all times pretty much to combat any skin irritation. So this is your option number two. La Roche-Posay was one. This is option number two. Option number three, which is again very easily available, definitely in India and in the United States, is the QV cream. This has 10% glycerin. Glycerin, as we all know, is hydrating and healing both for your skin. Plus, this has paraffin, which creates a nice healing layer. QV cream is also a very affordable option. And ye sari jo creams hain, they can actually be used as your night cream as well because they don't have any fragrance, they don't have any added ingredients. So you can literally use them as your night cream. So this is your option number three. और option number four, which is very similar to option number three, is Parasoft. ये आपको मिल जाएगी for less than 150 rupees. Indian pharmacies में, chemist pharmacies में, online भी, 1mg.com, मैंने वहां से खरीदा था. This is the soft paraffin, liquid paraffin cream. Again, healing, hydrating, no nonsense. It's a bare basic formula. This is also very, very healing for your skin. और option number five, I'm pretty sure आप में से कुछ लोगों के पास already होगा because you've said it to me in the comments, is the Advanced Snail Mucin, Cosrx की Snail Mucin Cream, which is again very very hydrating, very moisturizing. आप इन पांचों creams में से किसी भी cream को use कर सकते हैं morning and evening to heal your skin जब आपकी skin irritated होती है, जब आप कोई गलत type की layering कर लेते हैं, जब आपकी skin पे red rashes, hot flashy skin होती है, any of those problems, you can use any of these creams. मैं use करूंगी La Roche-Posay Sisalplast because that is my favorite और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसे कैसे use करती हूँ. So मैं कुछ इतना amount लेती हूँ cream का. I take a nice thick layer और जहां मुझे irritation face हो रही है, so like अभी my forehead feels a little irritated. This is what I mean by applying a thick layer of the cream. As in cream आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए. And then whatever is left of it, take it down your neck. As you can see, मैंने इस क्रीम को almost एक mask के जैसे लगाया है. Now I'm going to give it about 5-7 minutes. ये completely मेरे चेहरे पे absorb हो जाएगी. जब आपके skin पे ये वाली cream absorb हो जाएगी, या इनमें से कोई भी cream absorb हो जाएगी, except the snail mucin one, because that doesn't leave any white cast, your skin is going to look something like this. Now इस step, इस point पे optional है. I will recommend, अगर तो आपकी skin acne prone नहीं है और अगर आपको ऐसे छोटे-छोटे pimples नहीं आ रहे हैं, if you just have dryness and rash on your face, इस point पे मैं recommend करूँगी 2-3 drop किसी भी face oil के आप लगाएं. अगर आपके पास कोई face oil नहीं है, तो बहुत थोड़ा सा like 2 drops, take olive oil, take jojoba oil, any of those oils, just take any oil. जो oil मैं यहाँ use कर रही हूँ is something I'm trying out. It is by a brand called Cocol and this is their Golden Jojoba Oil. So this is an Indian brand. It is by an influencer. It's called, her name is called Komal
शी इज बिन ऑन यूट्यूब लाइक फॉर एवर एटलीस्ट 10 सालों से. ये उनका ब्रांड है एंड या आई बॉट इट बिकॉज़ आई वांट टू ट्राई इट आउट. सो इसे मैं 2 ड्रॉप्स लेके अपने चेहरे पे इस तरह से लगाती हूँ. एंड ऑयल लगाने का जो रीजन है इस पॉइंट पे, एंड आई डोंट यूज ऑयल्स वेरी ऑफन, यू गाइज नो इट, बट स्पेशली जब आप इस तरह के प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं, इज दैट यू वॉन्ट टू लॉक इन द मॉइस्चर. जो जो आपने क्रीम लगाई उसकी जो भी हीलिंग प्रॉपर्टीज है आप उसे लॉक इन करना चाहते हैं. आप वैसलिन भी लगा सकते हैं, यू कैन डू स्लगिंग. आई डोंट रेकमेंड इट बिकॉज आई जस्ट फील इट डज नथिंग. आई जस्ट थिंक इज ओवर हाइप्ड. अ गुड ऑयल लाइक अ होहोबा ऑयल, अ रोज हिप ऑयल, कोई भी अच्छा ऑयल आई थिंक इज मच बेटर. ऑलिव ऑयल ऑल्सो इज मच बेटर. कोकोनट मत लगाइएगा, इट्स वेरी हैवी. सो आई एम जस्ट गोना यूज दिस ऑन माई फेस एंड बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, प्रोडक्ट अब्सॉर्ब हो जाएगा. अगर आपको लगता है सोने से पहले भी दिस अ लॉट ऑफ लाइक ऑयल ऑन योर फेस, इट्स लाइक सुपर चिप चिप, दिस इज वॉट यू विल. अगर सोने से पहले आपको लगे कि बहुत अभी भी ऑयल है, तो ऐसा हल्का सा टिश्यू लेके जस्ट dab it on your face. मैं नहीं कर रही हूँ because I want this to be there and my skin is so dry, this is literally going to drink. My skin is going to drink up all of this product. So this is how my friends you can heal your skin. ये routine आप morning में भी कर सकते हैं. The idea is to keep your skin skincare routine very simple. You're just going to use hydrating products. You're going to use creams, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, which are no nonsense creams, which have literally no actives, no exfoliants, nothing. ये रूटीन आप फॉलो करेंगे तब तक जब तक आपका स्किन कंप्लीटली हील नहीं करता. मैं इस तरह का रूटीन प्रेफर करती हूँ टू डू इट एटलीस्ट वंस अ वीक, जिस दिन मैं एक्टिव्स, रेटिनॉल, इन सब चीज़ों से ब्रेक लेती हूँ. एंड इस पॉइंट पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ जो मैंने पहले नहीं करी, इज अबाउट शीट मास्क. सो यूजुअली जब मैं अपने हाइड्रेटिंग रूटीन्स करती हूँ, ग्लास स्किन रूटीन करती हूँ, यू वुड हैव सीन कि मैं हमेशा शीट मास्क लगाती हूँ आफ्टर पुटिंग हाइलुरोनिक एसिड सीरम. इस रूटीन में मैंने क्यों नहीं किया, बिकॉज मोस्ट शीट मास्क हैव अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंस एंड इस रूटीन में हम अवॉइड करना चाहते हैं फ्रेग्रेंस, प्राइमरली बिकॉज इरिटेटेड स्किन को फ्रेग्रेंस और इरिटेट करती है. रिपीट आफ्टर मी, इरिटेटेड स्किन को फ्रेग्रेंस और ज्यादा इरिटेट करती है. सो यू वॉन्ट टू अवॉइड इट स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दिस टाइम, इसलिए इस रूटीन में मैंने शीट मास्क को अवॉइड किया है. अदरवाइज अगर ये एक नॉर्मल हाइड्रेटिंग रूटीन होता तो डेफिनेटली अंडर आई मास्क, शीट मास्क, लिप मास्क में सब लगाती. If you enjoyed the video, if you found this video helpful, let me know in the comments below. Keep the comment section going, it really keeps me motivated. I will see you in the next one. Till then, take great care of yourself. Don't forget to like and subscribe. Bye.